हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेट्स मेशर। काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं जो लास्ट मोमेंट में आपको एग्जाम में जाने से पहले बहुत ज्यादा हेल्प करें। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके लिए वही लेके आ रहा हूँ, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर्स हैं और साथ के साथ वो कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, ये तीनों चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है ये है प्रोटोकॉल के नेम्स, और ये सारे प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। और एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास हजारों प्रोटोकॉल्स हैं, तो आपको इन हजारों प्रोटोकॉल्स को याद नहीं करना या इनकी फुल फॉर्म याद नहीं करनी, लेकिन आपको जो ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स मैं यहां पे बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं किस टर्म में, ये बोल रहा हूं मैं कि कितनी बार क्वेश्चन इनके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम कंप्यूटर साइंस में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, नेट की, गेट की, केवीएस की, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्हीं प्रोटोकॉल्स के बारे में ही पूछा हुआ है। तो मैं इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी परफॉर्मेंस या थ्रूपुट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इनकी इंपॉर्टेंस कि कितनी बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं। तो अगर आप इतने प्रोटोकॉल्स के नेम्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर भी याद रखें, ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है। और दूसरा हमारे पास है यहां पे पोर्ट नंबर्स, और पोर्ट नंबर्स हम जनरली यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, और ट्रांसपोर्ट लेयर में हम बात करते हैं कि 16 बिट का पोर्ट नंबर जो है वो सिस्टम एलोकेट करता है, और 16 बिट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पोर्ट नंबर्स पॉसिबल है 2^16, which is 65,536, और इसमें से हम 0 to 1023 को बोलते हैं well defined port numbers. Well defined port numbers का मतलब है कि जो standard applications या standard protocols के लिए हम use करते हैं। तो आप 1024 पोर्ट नंबर्स को और उनकी एप्लीकेशंस के नेम को याद नहीं रख सकते, इसलिए इतने भी अगर आप याद रखें ये मोर देन आपके इनफ है। और थर्ड में हमने यहां पे लिखा हुआ है प्रोटोकॉल, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में, मतलब कौन सी एप्लीकेशन कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज करती है। और हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही मेन प्रोटोकॉल है, TCP एंड UDP, ये मेन प्रोटोकॉल है। ऑलरेडी हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल भी है, लेकिन हम जनरली यूज करते हैं TCP या फिर UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और TCP को हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, और UDP को बोलते हैं हम कनेक्शन लेस। और TCP और UDP कैसे काम करता है, क्या इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये सारी मैंने ऑलरेडी वीडियोज इसके ऊपर बनाई हुई है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज एक बार जरूर चेक कर ले, जिससे आपको पता लग जाए कि TCP काम कैसे करता है और इसके अंदर क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या उसकी एप्लीकेशंस है, यूडीपी हम कहां पे यूज करते हैं कहां पे यूज नहीं करते, ये आपको सारी उस वीडियो में ऑलरेडी मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इको जो है प्रोटोकॉल हम जनरली यूज करते हैं कि क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो ये जो टोटल टाइम होता है, इस टोटल टाइम को बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। तो ये टोटल टाइम कितना है, ये राउंड ट्रिप टाइम कितना है, इसको पता लगाने के लिए हम इको जो है प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। और इको प्रोटोकॉल को हम एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जनरली यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि नेटवर्क के साथ हम कनेक्टेड हैं या नहीं, मतलब सर्वर के साथ हम कनेक्टेड हैं या नहीं। आपने ऑलरेडी पिंग के बारे में सुना होगा, पिंग जो है जनरली हम ICMP प्रोटोकॉल के साथ यूज करते हैं, लेकिन पर्पस उसका भी जनरली यही है कि हमें नेटवर्क के साथ कनेक्शन है या नहीं। अगर हमारे पास रिस्पॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब हम सर्वर के साथ कनेक्टेड है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो मतलब हमारा कनेक्शन नहीं बना। तो हमारे पास ये भी पता लग जाता है कि हमारा कनेक्शन बना या नहीं और कितना टाइम लगेगा हमारी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने में, ये जो राउंड ट्रिप टाइम है ये भी इको प्रोटोकॉल बताता है। और इको प्रोटोकॉल TCP के लिए भी यूज होता है, UDP के लिए, मतलब इको जो प्रोटोकॉल है वो TCP को भी यूज कर सकता है और UDP को भी यूज करता है। अगर आपका कनेक्शन TCP है तो वो TCP इको भेजेगा, UDP है तो वो UDP इको को भेजेगा, और इसका पोर्ट नंबर है 7। देन FTP जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर आपको फाइल्स को ट्रांसफर करना है तो फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं FTP प्रोटोकॉल, और इसके अंदर हमारे पास पोर्ट नंबर्स है 20 और 21। तो आपको यहां पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि 20 और 21 दो पोर्ट नंबर्स क्यों है, क्योंकि जो हमारे जनरली प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इन लाइन या आउट ऑफ लाइन प्रोटोकॉल्स। आउट ऑफ लाइन का मतलब है जो एक बार में, मतलब डेटा ट्रांसफर वो करते हैं अलग पोर्ट नंबर से, और जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कंट्रोल कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स के लिए वो अलग पोर्ट नंबर को यूज करते हैं। तो FTP भी वही करता है, डेटा के लिए वो यूज करता है 20 नंबर और 21 नंबर वो यूज करता है कमांड्स के लिए। कमांड्स जो है वो जनरली हम यूज करते हैं FTP कमांड्स के अंदर, हमारे पास जो है लाइक स्टार्ट कमांड है, क्विट है, स्टैट है,
हेल्प है, इन सारी कमांड्स को अगर हमने भेजना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे 21 नंबर पोर्ट नंबर, और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम 20 नंबर पोर्ट को यूज करते हैं। तो ये दो पोर्ट नंबर्स को यहाँ पे रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? टीसीपी। रीजन उसका क्या है? क्योंकि रिलायबिलिटी चाहिए, हमें पूरी की पूरी फाइल ट्रांसफर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ हो जाए कुछ ना हो, नहीं, अगर फाइल पूरी की पूरी ट्रांसफर होगी तभी वो ओपन होगी। तो हमारे पास जहां पे भी रिलायबिलिटी चाहिए, जहां पे भी आपको रिलायबिलिटी चाहिए वहां पे हम टीसीपी को यूज करते हैं। देन हमारे पास सिक्योर्ड शेल मतलब SSH प्रोटोकॉल है। SSH हमारे लिए है 22 नंबर पोर्ट। और SSH हम जनरली यूज करते हैं किस पर्पज की वजह से? जहां पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस को हम यूज करते हैं। और यहां पे अगर दो लोग कनेक्शन आपस में बनाएंगे, मतलब अगर क्लाइंट और सर्वर आपस में कनेक्टेड है, तो वो सिक्योर्ड की के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, मतलब की एक्सचेंज करके वो आपस में कनेक्टेड होंगे और एक तरह से टनल बन जाती है। टनलिंग को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और टनलिंग की वजह से क्या होता है, हम जो अनसिक्योर्ड चैनल है, क्योंकि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट तो हमारा अनसिक्योर्ड है, लेकिन अनसिक्योर्ड या पब्लिक नेटवर्क के अंदर हम कैसे अपनी टनलिंग कर सकते हैं, एक प्राइवेट कनेक्शन बना सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सिक्योर्ड शेल SSH। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। 22 नंबर पोर्ट है और ये भी यूज करता है टीसीपी प्रोटोकॉल को, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड है। देन टेलनेट, रिमोट लॉगिन के लिए हम यूज करते हैं टेलनेट। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको बहुत बार क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसका पोर्ट नंबर जो है वो क्या है? 23। और ये भी यूज करता है हमारे पास टीसीपी कनेक्शन को। देन हमारे पास आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम मेलिंग के लिए यूज करते हैं, और 25 नंबर पोर्ट है। इसके ऊपर भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे कि कितना पोर्ट नंबर है, 25। और ये भी यूज करता है टीसीपी कनेक्शन को, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड इसको चाहिए। देन डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम भी अगेन इंपॉर्टेंट है, और इसका पोर्ट नंबर है 53। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है कि ये कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज करता है? ये यूज करता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल हम जनरली कब यूज करते हैं? जब हमें स्पीड चाहिए, मतलब हमने कोई कनेक्शन नहीं बनाना, हमें फटाफट रिक्वेस्ट भेजनी है और हमें फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए, जहां पे हमें कंसिस्टेंटली स्पीड चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल को। तो यहां पे हमें डीएनएस में, हमें सिंपली हम डीएनएस को क्यों यूज करते हैं, हमारे पास डोमेन नेम है लेकिन हमें उसका आईपी चाहिए, उस सर्वर की आईपी को पता लगाने के लिए हम सिंपली एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऑल्दो ये टीसीपी भी यूज कर सकता है, टीसीपी भी यूज कर सकता है, लेकिन जनरली हम यूडीपी को ही बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये मेरे पास डोमेन नेम है, इसका आईपी एड्रेस मुझे चाहिए। तो हमें इसका रिजल्ट जो है वो फास्ट चाहिए, कंसिस्टेंटली हमें स्पीड चाहिए, उसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल। देन डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। डीएचसीपी को हम जनरली यूज करते हैं अगर हमें डायनेमिकली आईपी चाहिए, मतलब जनरली हम यूज करते हैं स्टैटिक आईपी। आपके लैब्स में जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, उन जो पीसीज होते हैं उन पीसीज में ऑलरेडी स्टैटिक आईपी दे देते हैं, वो स्टैटिक आईपीज जो होते हैं। तो जब भी आप कनेक्शन बनाते हो तो ऑलरेडी उसके अंदर आईपी दिया हुआ है, उस केस में आपको डीएचसीपी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेटर ये भी कर सकता है कि डायनेमिकली अगर आपको आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं तो आप एक लोकल डीएचसीपी प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो, और आप अपना मैक एड्रेस दोगे, मतलब आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाएगी कि माय मैक एड्रेस इज दिस और मेरे को एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो डायनेमिकली हमारे पास लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस में से डीएचसीपी एक आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो स्टैटिक के केस में हम यूज नहीं करते, डायनेमिक के केस में यूज करते हैं। और ये भी अगेन आउटबाउंड है। आउटबाउंड का मतलब है यहां पे अगेन दो पोर्ट नंबर्स को हम यूज करते हैं, 67 और 68। मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम अलग यूज करते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए अलग यूज करते हैं, सेम एज द FTP। और ये भी कौन सा यूज करता है? UDP, क्योंकि इसमें कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, अगेन आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए कि आपने मैक एड्रेस दिया और आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस चाहिए, तो इस काम में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो जहां पे आप टाइम वेस्ट नहीं करना और रिलायबिलिटी का यहाँ पे कोई फंडा ही नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पे यूडीपी को यूज करोगे, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। TFTP, that is Trivial File Transfer Protocol. यहाँ पे हमने File Transfer Protocol की बात की, यहाँ पे Trivial File Transfer Protocol है। तो Trivial File Transfer Protocol हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि let's say there is a client,
और क्लाइंट वॉन्ट टू सेंड सम फाइल्स टू द सर्वर, और अगर क्लाइंट सेंड करना चाहता है फाइल्स टू द सर्वर विदाउट मेकिंग एनी कनेक्शन, मतलब कनेक्शन नहीं बनाता, वो सिंपली डायरेक्ट फाइल सेंड करता है, तो इस केस में हो सकता है आपका डेटा लॉस भी हो जाए। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन कहती है कि कोई बात नहीं, तो आप डेफिनेटली कौन सा यूज करो, TFTP प्रोटोकॉल को यूज करो, विच इज अ ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि FTP पहले कनेक्शन बनाएगा, थ्री वे हैंडशेकिंग को यूज करेगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर करेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि रिलायबिलिटी, और अगर कोई भी पैकेट लॉस होता है ये उसको दोबारा सेंड करेगा, लेकिन TFTP जो है वो फास्ट है, UDP प्रोटोकॉल को ये यूज करता है, और इसका पोर्ट नंबर है 69। देन HTTP, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जितने भी आपके वेब पेजेस हैं, जितने भी आपके ब्राउजर्स हैं, उन ब्राउजर्स में आपने हमेशा ही देखा होगा, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को, जब भी आप किसी सर्वर को मतलब रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आपकी रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाती है, HTTP प्रोटोकॉल के, मतलब जितने भी वेब पेजेस ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल के, और ये पोर्ट नंबर यूज करता है 80 नंबर पोर्ट, और ये भी यूज करता है TCP, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड बेस्ड है। देन हमारे पास है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को हम जनरली यूज करते हैं मेल्स को पॉप करने के लिए, मतलब आपके मेल सर्वर में ऑलरेडी आ चुकी है, आपने उसको पॉप करके अपने सिस्टम पे लेके आनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं POP। जो SMTP हम यूज करते हैं, SMTP को हम यूज करते हैं मेल्स को पुश करने के लिए, मतलब मेल्स को भेजने के लिए, और मेल्स को विड्रॉ करने के लिए, मतलब मेल्स को अपने सिस्टम में लाने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। इसके अलग अलग वर्जन है, जैसे वर्जन 2 अगर हम बात करें तो उसका है 109 पोर्ट नंबर, लेकिन वर्जन 3 जो लेटेस्ट है जो हम यूज करते हैं उसका पोर्ट नंबर है 110, और ये भी यूज करता है TCP। ऑब्वियसली जब SMTP भी TCP यूज करता है, तो ये दोनों जो है वो पैरेलली काम करते हैं, एक मेल्स को भेजने के लिए, एक मेल्स को फेच करने के लिए हम यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है NTP, दैट इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। NTP जो है वो सिंपल सा फंडा है कि मल्टीपल क्लाइंट्स हैं सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और अगर वो अपनी क्लॉक को, अपने टाइम को वो सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड हो तो आप चाहते हो कि सर्वर का जो टाइम है आपके क्लाइंट की मशीन का टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज रहे, तो इस क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम यूज करते हैं NTP, मतलब टाइम पता लगाने के लिए, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो ये 123 पोर्ट नंबर को यूज करता है, और इसमें भी कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिंपली टाइम पता कर रहे हो, तो ऑब्वियसली UDP प्रोटोकॉल का यहां पे यूज करते हो। देन HTTPS प्रोटोकॉल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HTTP का ये सिक्योर्ड वर्जन है, और आज के टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो HTTPS के ऊपर मिलेंगी। ऑल्दो आपको लिखने की जरूरत नहीं है HTTPS, अगर आप HTTP भी लिखते हो स्टिल, वैसे भी हम जनरली HTTP भी लिखते नहीं है, हम URL में कभी टाइप ही नहीं करते, हम सिंपली वहां पे डोमेन नेम टाइप करते हैं, लाइक गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो SBI, PNB, ये जो हम नॉर्मल टाइप करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आप अगर आप ध्यान से देखो तो आपका कनेक्शन HTTPS पे होगा। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर्ड SSL पे काम करता है, दैट इज सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, और ये काम वही है इसका जैसे सिक्योर शेल का काम है, ये क्रिप्टोग्राफी फंक्शंस को यूज करता है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होके जाएगी विद ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट होगा, तब आपको एक सेशन मिलेगा, उस सेशन के अंदर अंदर आप अपना काम कर सकते हो, जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी विद साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होके जाएगी, और हमेशा आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो चेक होता है। तो यानी HTTPS जो है हम यूज करते हैं, जितने भी आप, अगर आप नॉर्मल PNB, SBI, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितनी भी आपकी पेमेंट पोर्टल्स हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली HTTPS पे ही काम करते हैं, और इसका पोर्ट नंबर है 443, और ये भी यूज करता है TCP कनेक्शन को। देन RIP, दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं डिस्टेंस वेक्टर, ये प्रोटोकॉल का नेम आपने सुना होगा, IP एड्रेसेस, जो IP लेयर है, जो नेटवर्क लेयर है, उसके अंदर हम यूज करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग। तो डिस्टेंस वेक्टर तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें नेबर्स नोड को वो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करता है, लेकिन वो उसका जो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेबल प्रोटोकॉल है, दैट इज RIP, और लिंक स्टेट के लिए हम यूज करते हैं OSPF प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे RIP प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है, दैट इज 520, और ये कौन सा यूज करता है यहाँ पे, ट्रांसफर प्रोटोकॉल UDP, क्योंकि इसमें कनेक्शन नहीं बनाता, ये अपने नेबर्स को अपना सिर्फ एक मैट्रिक सेंड करता है कि मैं किसी बंदे के साथ कितनी डिस्टेंस से कनेक्टेड हूं, वो सिंपली इसने सेंड करना है, तो मैट्रिक सेंड करने के लिए कनेक्शन नहीं बनाता, सिंपली ब्रॉडकास्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करता है।
तो ये सारे जो मेन प्रोटोकॉल्स है, ये मेन अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके पास हजारों प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें से ये प्रोटोकॉल सिर्फ मैं वही लेके आया हूं जिनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है या आने के चांसेस हैं, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर्स आप याद रख सकते हैं, और कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं ये भी आप याद कर सकते हैं। अगेन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये ही सिर्फ यूज करता है, जैसे मैंने इसमें बताया टेलनेट या फिर मैं एसएमटीपी में अगर मैं बताऊं डीएनएस में, तो डीएनएस में यूडीपी ही नहीं, आप टीसीपी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जहां पे यूडीपी यूज हो रहा है वहां पे टीसीपी तो यूज हो ही सकता है, क्योंकि यूडीपी कहता है कि मैं फास्ट करता हूं काम, तो टीसीपी कहता है कि मैं पहले कनेक्शन बनाऊंगा, रिलायबिलिटी चाहिए मुझे, सिक्योरिटी चाहिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम का डिले हो जाता है। तो जहां पे आप यूडीपी यूज कर रहे हो वहां पे टीसीपी तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन जहां पे टीसीपी ही यूज हो रहा है वहां पे यूडीपी हो सकता है नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में आप और डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, और स्पेशली उनके बारे में जो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बताए हैं जिनके ऊपर स्टार मार्क किए हुए हैं, और प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सारे लिंक्स को एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक मैंने उसमें दिए हुए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।